हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई। मेरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से नर्सरी गई थी और थोड़े से प्लांट लेके आई हूँ, तो मैं उस प्लांट से आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ। इतने सारे प्लांट्स होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों नर्सरी जाए बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं सिर्फ नर्सरी में घूम के आऊँगी ऐसा बोल के ही जाती हूँ और हर बार कुछ ना कुछ लेके आ जाती हूँ। तो चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। मिलवाती हूँ मेरे ये नए कुछ प्लांट्स से, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इन सब प्लांट्स के बाद लास्ट में मैंने अमेज़ॉन से कौन से फर्टिलाइज़र मंगवाए थे वो भी आपको दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पेपरोमिया, इसको पेपरोमिया बोलते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर ग्रो होने वाला फोलिएज वाला प्लांट है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी लश ग्रीन कलर की है और ये सक्यूलेंट कैटेगरी में आता है। इनके ये स्टेम में पानी भरा रहता है और ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो सकता है ऐसा प्लांट है और घर के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है। कितना खूबसूरत प्लांट है देखिए। ये प्लांट्स में 9090 रुपीज़ में लाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मेरे पास इसकी एक वेरीगेटेड लीव्स वाली एक वेराइटी है, तो मुझे ये ग्रीन वाली वेराइटी बहुत ही अच्छी लग रही थी। कितने दिनों से मैं इसको ढूंढ रही थी और मुझे सडनली एक नर्सरी में मिल गया, तो मैंने ये भी लिया है एक प्लांट। उसके बाद ये सिंगोनम की एक और वेराइटी ली है, ये भी ग्रीन कलर की है और उसमें बीच में वाइट कलर की ऐसी लाइन है। ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ में मिला है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये भी पत्तियों वाला ही प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो मेरे सिंगोनियम की सारी वेराइटियों में एक और एडिशन हो गया है। उसके बाद ये प्लांट है, अरे ये प्लांट है एलिफेंट ईयर्स का। ये भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। ये तो बड़े गमले में मैं डालूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके छोटे छोटे बेबी पप्स भी निकलते रहेंगे। तो ये प्लांट्स मुझे 50 रुपीज़ में मिला है, तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये भी। उसके बाद ये प्लांट है ब्राह्मी का, हमारे यहाँ इसे ब्राह्मी बोलते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत रखता है, तो मैं इसको भी लेके आई हूँ। ये प्लांट मुझे 40 रुपीज़ में मिला है। तो उसके बाद है ये गुड़हल का प्लांट। ये बहुत ही डार्क रेड कलर में है गुड़हल का प्लांट और इसमें देखिए पान उसके ये से कटे फटे हो गए, पर इसमें बहुत ही एफिड्स का अटैक था। मैंने बहुत सारी चीटियाँ और वो सब निकाले और कुछ ठीक किया नर्सरी में, तो ये बहुत ही ख़राब हालत में था। और इसका फ्लावर देख के ही मैं लाई हूँ। इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत एक रेड डार्क रेड कलर का फ्लावर था और ये हाइबिस्कस है, हाइब्रिड वेराइटी है उसकी। और ये मुझे मिला है 7070 रुपीज़ में, तो 70 रुपीज़ में मुझे कोई ख़राब नहीं लगा तो मैंने इसे ले लिया। ये तो इसको रिपोर्टिंग कर दूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
उसके बाद मैं 2 एडेनियम प्लांट्स लाई हूँ। एडेनियम प्लांट्स तो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे पास बहुत सारे एडेनियम है, पर ग्राफ्टेड एडेनियम 4 या 5 ही है मेरे पास। तो मैंने दोनों के दोनों ग्राफ्टेड ही लिए और ये एक एडेनियम लाई हूँ। ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला है, 150 रुपये में। तो अभी इसमें कैसा फ्लावर आएगा ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एक प्लांट है और 150 रुपीज़ में मुझे ग्राफ्टेड प्लांट मिल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। और आज का शो स्टॉपर है ये वाला एडेनियम। ये सबसे महंगा भी आया है सभी प्लांट्स में। देखिए आप इसके फ्लावर देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके। एकदम लाइट पिंक कलर के ट्रिपल लेयर वाले रोजी वैरायटी का ये एडेनियम है। तो मैंने ये एडेनियम 350 रुपीज़ में लिया है। ये आपको थोड़ा महंगा लगेगा, पर ये है इतना खूबसूरत कि 350 देना तो बनता है इसका, तो मैंने ले लिया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये सभी प्लांट्स मैं नर्सरी से लाई थी। और अभी मैं जो मैंने अमेज़ॉन से 2 फर्टिलाइज़र मंगवाए वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये है वो 2 फर्टिलाइज़र। ये मैंने प्रीमियम लिक्विड सीवीड मंगाया है। तो ये एक मैंने एक बार तो यूज़ भी कर लिया है अपने वेजिटेबल प्लांट्स पे, तो ये 100% नेचुरल है और बहुत ही अच्छा है। मुझे तो अभी एक दो बार यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा। पहली बार में मुझे तो अच्छा ही लगा है। इसमें सब भी कुछ लिखा है कि कैसे उसको यूज़ करना है, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, ये सभी कुछ लिखा है। तो ये मुझे पक्का तो याद नहीं है कितने में लिया, पर ये मुझे शायद 200 में मिला है, 200 में ही मिला है शायद, पक्का नहीं मालूम है मुझे। और फिर ये एक दूसरा मैंने मंगवाया है, ये है मस्टर्ड खली, इसको मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, वो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। ये भी मुझे 200 आसपास ही मिला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो आज का मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल को भी लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए प्लांट के साथ, नई जानकारी के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।